बीबीसी दुनिया में आज देखिए क्या होगा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। एक साल में दूसरी बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्या पास हो पाएगा सीनेट में प्रस्ताव और इस सूरत में क्या होगा डोनाल्ड ट्रंप का भविष्य। बीबीसी दुनिया में आपका स्वागत है, मैं हूं उदित मेहरा। रिपब्लिकन पार्टी पर डोनाल्ड ट्रंप के प्रभाव और उनकी आगे की सियासी जमीन की कवर स्टोरी में होगी बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में कहा, नए कानून किसानों के हित में अगर कोई कमी होगी तो आगे उसे दूर किया जाएगा। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार अगर बातचीत का न्योता देगी तो उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन जन आंदोलन जारी रहेगा। उत्तराखंड में ग्लेशियर के फटने के बाद जोरों पर राहत और बचाव कार्य। तपोवन टनल में दर्जनों मजदूरों के फंसे होने की आशंका। अब तक 18 लोगों की मौत की पुष्टि। तबाही के बाद करीब 200 लोग हैं लापता। म्यांमार में सैनिक तख्तापलट के खिलाफ लगातार तीसरे दिन दसियों हजार लोगों ने देश भर में किया प्रदर्शन। आंग सान सूची की रिहाई और देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए हो रहे हैं प्रदर्शन। उधर सत्ता हथियाने वाले सैन्य अधिकारियों ने टेलीविजन पर दी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी। और भारतीय महिला खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें मिली कामयाबी का जश्न मनाने के लिए बीबीसी लेकर आया बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का दूसरा संस्करण। मनु भाकर, दुती चंद, कोनेरू हम्पी, विनेश फोगाट और रानी हैं इस साल के 5 नॉमिनी। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। डोनाल्ड ट्रंप, वो नाम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीते 4 सालों में बेहद चर्चित रहा और ज्यादातर बार गलत वजहों से। पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। वो एक साल के अंदर दूसरी बार महाभियोग का सामना करने जा रहे हैं, लेकिन अमरीकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में महाभियोग पारित होने की कितनी संभावना है और उसका ट्रंप के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, इन्हीं सब बातों की पड़ताल आज कवर स्टोरी में। मंगलवार को अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाया जाएगा। ट्रंप अमेरिकी इतिहास के पहले राष्ट्रपति हैं जिन पर अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पास हो चुका है। 25 जनवरी को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया था। आमतौर पर प्रस्ताव पेश होने के अगले ही दिन महाभियोग की कार्रवाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार रिपब्लिकन्स ने तैयारी के लिए कुछ और वक्त मांगा है। ये एक अभूतपूर्व मौका है जब एक पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले ऐसे हालात 1974 में रिचर्ड निक्सन के खिलाफ बने थे, लेकिन उनके इस्तीफा देने के साथ ही महाभियोग की प्रक्रिया खत्म हो गई थी। संभावना ये भी है कि ट्रंप खुद के कुर्सी पर ना होने का हवाला देते हुए इस महाभियोग को असंवैधानिक बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाएं। प्रतिनिधि सदन में ट्रंप के खिलाफ पिछला महाभियोग दिसंबर 2019 में लाया गया था, जब उन पर आरोप लगा था कि वो दोबारा चुनाव जीतने के लिए विदेशी दखल की कोशिश कर रहे हैं। तब ट्रंप ने सारे आरोप नकार दिए थे और रिपब्लिकन्स के बहुमत वाली सीनेट ने उन्हें बरी भी कर दिया था। तो इस बार ट्रंप को दोषी ठहराने के लिए किन चीज़ों पर नज़र रखी जाएगी और कितने रिपब्लिकन सांसदों को उनके खिलाफ वोट देने की ज़रूरत है। फिलहाल 100 सदस्यों की सीनेट में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सांसदों की बराबर संख्या है। टाई होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस निर्णायक वोट डालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को दोषी ठहराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, यानी सीनेट के 100 में से कम 67 वोट, यानी 50 डेमोक्रेट्स के अलावा ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 70 सदस्यों को भी ट्रंप के खिलाफ वोट करने होंगे, जिसकी संभावना बहुत कम है। ट्रंप के ऊपर पूरा मामला क्या है और उनके दोषी साबित होने की कितनी संभावना है, आइए देखते हैं। Washington Democrats made up their minds to impeach President Trump before he was even inaugurated. Donald Trump is a living, breathing, impeachable offense. डोनाल्ड ट्रंप फिर महाभियोग का सामना कर रहे हैं। अब तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ 2 बार ऐसा नहीं हुआ और पद छोड़ने के बाद कभी किसी राष्ट्रपति पर अभियोग नहीं चला। ये कहना सही होगा कि हम ऐसा पहली बार देख रहे हैं। तो
उन पर मामला क्या है। डोनाल्ड ट्रंप पर सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप है, खासकर ये जब उनके हजारों समर्थक संसद में घुस आए थे। मगर ट्रंप पर आरोप लगाने वाले बीते साल नवंबर में हुए राष्ट्रपति चुनावों पर नजर डालने को कहते हैं। We know there was massive fraud. That was a rigged election. If you count the legal votes, I easily win. ट्रंप हार तो गए थे, मगर हार नहीं मानी थी। इतना ही नहीं, जब जॉर्जिया राज्य में सीनेट की दो सीटों पर हुए करीबी मुकाबले के दौरान दूसरी बार वोटों की गिनती हो रही थी, तब ट्रंप पर अवैध ढंग से दखल देने का आरोप लगा। I only need 11,000 votes, fellas. I need 11,000 votes. Give me a break. It all came to. फिर आया 6 जनवरी का दिन, जब कांग्रेस को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर मुहर लगानी थी। ट्रंप ने अपने लंबे और कड़वाहट भरे भाषण में पूरी चुनावी प्रक्रिया की आलोचना की थी। We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. भाषण खत्म होते ही उनके कुछ समर्थक कैपिटल बिल्डिंग में घुस गए। मगर राष्ट्रपति ने क्या वाकई हिंसा भड़काई? अमेरिका का पहला संशोधन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। इससे ट्रंप को मन मुताबिक बहुत कुछ बोलने की छूट मिल जाती है, जैसे कि अपने समर्थकों को कैपिटल पर धावा बोलने का हुक्म देना, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. ट्रंप दोषी हैं या नहीं, ये सीनेट के 100 सदस्यों को तय करना है। ट्रंप को दोषी सिद्ध करने के लिए डेमोक्रेट्स को कम से कम 17 रिपब्लिकन्स का भी साथ चाहिए होगा, लेकिन ये काम मुश्किल है। ज्यादातर रिपब्लिकन मानते हैं कि ये अभियोग नहीं चलना चाहिए। This proceeding we are about to enter is unconstitutional. अगर फैसला ट्रंप के खिलाफ रहा तो क्या होगा? तब डोनाल्ड ट्रंप पहले राष्ट्रपति होंगे जो महाभियोग में दोषी सिद्ध होंगे। उनके चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए रोक लग सकती है। पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर मिलने वाली पेंशन और सुविधाएं भी छिन सकती हैं। लेकिन ट्रंप जीत गए तो क्या होगा? पूर्व राष्ट्रपति को सजा देने के लिए डेमोक्रेट और कोई तरीका तलाश सकते हैं, लेकिन एक साल के अंदर दो बार महाभियोग में जीत हासिल करना ट्रंप के वफादार समर्थकों के लिए उस व्यवस्था पर एक और जीत की तरह होगा जो उन्हें किसी तरह फंसाना चाहती है। इस तरह ट्रंप को फिर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए नई जमीन मिल जाएगी। अगर ट्रंप दोषी पाए जाते हैं तो क्या होगा, खासकर तब जब उनका कार्यकाल भी खत्म हो चुका है? ये भी हो सकता है कि ट्रंप को पूर्व राष्ट्रपति होने के सभी लाभों से दूर रखा जाए, जैसे कि पेंशन, सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा जैसे फायदे। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वे 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव फिर लड़ेंगे। इस मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अमेरिका के पूर्व डेप्यूटी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हैरी लिटमैन। इस बार वो पहले से ज्यादा मुसीबत में हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके दोषी पाए जाने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन कई बड़े रिपब्लिकन नेताओं ने माना है कि उन्होंने जो किया वो विद्रोह है और चुनाव की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की कोशिश है। ये संविधान के हिसाब से बहुत बड़ा अपराध है और उन पर महाभियोग चलाने के लिए काफी है। अगर सेनेट भी महाभियोग प्रस्ताव पास कर देता है तो वो भविष्य में दोबारा राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और रिपब्लिकन पार्टी भी उनसे हमेशा के लिए निजात पा सकती है। और अब सीधे चलते हैं वॉशिंगटन, बीबीसी संवाददाता विनीत खरे के पास। विनीत, सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि रिपब्लिकन पार्टी पे डोनाल्ड ट्रंप का प्रभाव अभी भी है या फिर कमजोर हुआ है? देखिए, अभी भी ट्रंप का प्रभाव पकड़ बहुत मजबूत है रिपब्लिकन पार्टी की, और दो तीन एग्जांपल्स में देता हूं। जब इम्पीचमेंट की प्रक्रिया हुई थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, तो 211 रिपब्लिकन्स में से सिर्फ 10 रिपब्लिकन्स ने इम्पीचमेंट के पक्ष में वोट दिया था, और जिन्होंने वोट दिया, जैसे कि लिज चेनी हो गई, वो वाइमिंग से हैं, तो उनके खिलाफ जो राज्य की रिपब्लिकन पार्टी की ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, उन्होंने सेंसर प्रस्ताव पारित किया। इसके अलावा लिज चेनी के खिलाफ ही रिपब्लिकन्स ने उनके राज्य में रैली की। इसके अलावा जब सेनेट में कन्विक्शन, ये संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है, इस पर 45 जो सेनेटर्स हैं रिपब्लिकन पार्टी के, उन्होंने कहा कि ये गैर संवैधानिक है, सिर्फ 5 ने कहा संवैधानिक है। हाल में ही एक पोल आया है जिसमें कहा गया है कि सिर्फ 15% रिपब्लिकन्स हैं वो पार्टी से हटाना चाहते हैं ट्रंप को, तो उनकी जो पकड़ है अभी भी रिपब्लिकन पार्टी पर काफी मजबूत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे पीएम मोदी के संसद में बयान पर क्या बोले किसान, और बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की इस बार कौन कौन सी खिलाड़ी हैं दावेदार। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं अदित मेहरा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 70 दिनों से ज्यादा हो गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि इन कानूनों से किसानों का ही भला होगा, उन्हें आंदोलन खत्म करना चाहिए और बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है, मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वो इंतजार करेंगे कि सरकार किसानों को बातचीत का न्योता दे। उन्होंने कहा कि सरकार न्योता देगी तो किसान जरूर जाएंगे, लेकिन एमएसपी को लेकर प्रधानमंत्री आश्वासन देने की जगह कानून लाए। और बीबीसी के दूसरे इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए आज 5 महिला खिलाड़ियों का नाम पीटी ऊषा और पैरा बैडमिंटन प्लेयर मानसी जोशी की वर्चुअल मौजूदगी में घोषित किया गया। ये खिलाड़ी हैं मनु भाकर, दुति चंद, कोनेरू हम्पी, विनेश फोगाट और रानी। हम इस पूरे सप्ताह आप तक इन 5 एथलीटों की प्रेरणा देने वाली कहानियां लेकर आएंगे। आज बात मनु भाकर की, जिन्हें दुनिया की बेहतरीन शूटर्स में से एक माना जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीत चुकी 18 साल की मनु का अगला टारगेट है टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतना। बीबीसी संवाददाता वंदना और शुभम कौल की ये खास रिपोर्ट। आई डोंट काउंट माई मेडल्स, पूरे इंटरनेशनल्स में गिरे तो 40s में समथिंग एंड काउंटिंग। उम्र थी सिर्फ 16 साल। भारत की निशानेबाज मनु भाकर 2018 में वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी थी, लेकिन इस शोहरत के पीछे कड़ी मेहनत की भी कहानी है। सबको ऊपर का बटर ही दिखता है। स्कूल 3 o'clock तक होता था और मैं पढ़ाई में भी बहुत इंटरेस्टेड थी। स्टार्टिंग से स्कूल में सुबह जल्दी पहुंच के अपने असेंबली टाइम और इन सब को यूटिलाइज करके शूटिंग करती थी, और उसके बाद जब छुट्टी हो जाती थी तो स्कूल से सब लोग निकल जाया करते थे और मैं 2-3 घंटे लेट तक शूटिंग किया करती थी। मनु हरियाणा के गोरिया गाँव की रहने वाली है। आंखों में गर्व की चमक लिए उनकी माँ बताती हैं कि मनु को बचपन से ही खुद की पहचान की तलाश थी। आप लोगों के नाम से ना जानी जाऊं, मैं अपने नाम से जानी जाऊं, मुझे ऐसा कुछ करना है। ये छोटी सी थी बिल्कुल, तभी इसके दिमाग में आ गया था ये, इसलिए हर घर में एक बेटी बहुत जरूरी है। बचपन से ही मनु हर फन मौला रही है। बॉक्सिंग और कई तरह की मार्शल आर्ट सीखी, थांगटा मार्शल आर्ट में तो नेशनल चैंपियन भी बनी, पर बात 14 साल की उम्र में निशानेबाजी पर आके टिकी। शुरुआत में तो वो खुद ही अपनी कोच थी। जो मेरे कोच थे उन्होंने पहले वो 5 या 6 महीने वो स्कूल में थे, उसके बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। करीब 10 महीना मैंने खुद ट्रेनिंग किया। आई थिंक मैंने 3-4 महीने के अंदर ही मेडल्स जीतने स्टार्ट कर दिए थे। मनु ने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तहलका मचा दिया, लेकिन कम उम्र में मिली शोहरत का दूसरा चेहरा भी मनु को देखने को मिला। एशियन गेम्स में कुछ थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म मिला था, आई थिंक मुझे आई परफॉर्म्ड प्रिटी वेल, इट्स जस्ट कि मेडल नहीं आया, इसलिए लोग सिर्फ मेडल देखते हैं ना। कहीं ना कहीं जब ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं जहां मेडल नहीं आता बट हम परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं, तो फिर लोग हमको फील करवा देते हैं कि नहीं, परफॉर्मेंस कोई मैटर नहीं करती है, सिर्फ मेडल मैटर करता है। घंटों बैठकर मुश्किल पहेलियां बुझाना, बाइक चलाना, खाना बनाना, गांव में समय बिताना, शूटिंग के अलावा भी मनु के कई सारे शौक हैं। पर फिलहाल उनकी चुनौती है कॉलेज में अपनी पढ़ाई और टोक्यो ओलंपिक दोनों की तैयारी साथ साथ करना। यानी जिंदगी हो या शूटिंग अरीना, मनु अचूक निशाने में ही यकीन रखती है। मैं कभी चैलेंजेस को स्ट्रगल्स के तरह नहीं लेती थी। आई ऑलवेज थॉट कि ये मेरी जिंदगी का एक पार्ट है, जस्ट लिव इट एंड एंजॉय इट एंड जस्ट चेरिश इट। शुभम कॉल के साथ वंदना, बीबीसी, सूरजकुंड, हरियाणा। और ब्रेक के बाद देखिए कौन सा मास्क है कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर। तो आगे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद बीबीसी दुनिया।
बीबीसी दुनिया में आपका स्वागत है, मैं हूं अदित मेहरा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए बाजार में कई तरह के मास्क मौजूद हैं, लेकिन क्या वाकई इस बात से फर्क पड़ता है कि आप कौन सा मास्क इस्तेमाल करते हैं? अलग अलग मास्क के क्या मायने हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के दस्तक देने के बाद से दुनिया भर के लोग कई अलग तरीकों से अपने चेहरे को ढक रहे हैं, यहाँ तक कि मास्क के भी कई विकल्प मौजूद हैं। कई देशों में वायरस के नए लक्षण पता चलते ही मास्क भी बदलने की सलाह दी जाती है। घर पर बने ये फेस कवर सबसे आसान और सस्ते हैं। इसकी शुरुआत पिछले साल हुई थी, जब ये डर था कि अगर हर कोई सर्जिकल मास्क खरीदेगा तो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए इनकी कमी हो जाएगी। फिर उन मास्क को ज्यादा कारगर बनाने के लिए उनमें दो परतें लगाई गईं। ये दोहरे मास्क वायरस को चेहरे तक पहुंचने से रोकने के लिए और अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमने वॉशिंगटन में बाइडेन के उद्घाटन समारोह पर कई लोगों को इन दोहरे मास्क का प्रयोग करते देखा। दूसरे नंबर पर है सर्जिकल मास्क। ये वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, इसीलिए अगर कोई आपके आसपास खांसता है तो उनके वायरस से आप बच सकते हैं। आप इस प्रयोगशाला परीक्षण में देख सकते हैं कि मास्क के चारों ओर से हवा और हवा के कण कैसे बचकर निकल गए हैं। इन सूक्ष्म कणों से बचने के लिए और बेहतर मास्क मौजूद हैं, जिन्हें N95 मास्क कहा जाता है। इनके अंदर फिल्टर मौजूद है जो कि हवा के कणों को भी अंदर नहीं आने देते। ऑस्ट्रिया में जहां लोग इसे बसों और सार्वजनिक स्थानों में इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं जर्मनी में बुजुर्ग शॉपिंग के वक्त इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां घर पर बने मास्क मुफ्त में मिल जाते हैं, वहीं सर्जिकल मास्क के लिए कुछ पैसे ही लगते हैं, लेकिन N95 मास्क की कीमत 300 से 400 रुपए है। महामारी को खत्म करने के लिए केवल मास्क काफी नहीं है, न किसी ने ऐसा कहा है, लेकिन रिसर्च के मुताबिक ये काफी हद तक कारगर है। देखिए, अगर मास्क न पहना जाए तो एक खांसी कहां तक असर कर सकती है, इसलिए मास्क पहनना बेशक जरूरी है। और क्या आपने कभी सोचा कि आप एक छोटे से घर में रह पाएंगे कि नहीं? देखिए, ये है लंदन का सबसे पतला मकान, जिसकी कीमत $13 लाख यानी लगभग 9.5 करोड़ रुपए रखी गई। इसे बेचने वाली कंपनी का कहना है कि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये लंदन के इतिहास का हिस्सा रहा है। 19वीं सदी के आखिर या फिर 20वीं सदी की शुरुआत में इसे बनाया गया था। पहले ये हैट की दुकान हुआ करती थी। एक जगह से तो ये लगभग 2.25 मीटर ही चौड़ा है। तो कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @bbcwithit। आपसे मुलाकात होगी कल इसी वक्त।